जैसे दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत भी है जो मुझसे जुबान लड़ाएगा? क्यों भी अंकल, तेरा बेटा कुछ कमाता धमाता नहीं है क्या? या तुझे घर से बाहर निकाल दिया है जो भटक रहा है? तुम गरीब लोगों को किसी चीज का पता तो होता नहीं है, बस नुकसान कर देते हो फिर बोलते हो सॉरी सॉरी गलती से हो गया। तुम जैसे लोगों को ना होना ही नहीं चाहिए। वैसे ना हमेशा आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, आज पहली बार एक घंटे का मिला है। सही कह रही है, बहुत दिनों बाद। तूने लंच कर लिया? हाँ लंच तो कर लिया। सही है। जूस वाला, जूस पिएगी? नहीं यार मेरा मन तो है नहीं वैसे। अरे पीले पीले, पैसे तू दे दियो चला। ए सिर्फ ये बात हुई है कि जूस पी लेते हैं, पैसे देने की बात कब हुई? और कभी तू भी पिला दिया कर कुछ। आ जा, छोटी छोटी बात तो करती रहेगी। अब सुन, बड़ा ग्लास पीऊंगी। चल पी लियो। हाँ अंकल, दो ग्लास जूस बना दो। और सुने, ठंडे बनाइयो। ठीक है भैया, बनाते हैं। अरे ओए, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? ये नया नया जूस का काम शुरू करे जो हाथ कांप रहे हैं। अरे अरे माफ करना बेटा, गलती से गिर गया। दिन में ऐसी गलती कितनी बार करता है? और तुझे पता भी है तूने जिन कपड़ों को खराब किए कितने महंगे थे? तूने तो इंतजाम कर दिया था इन्हें खराब करने का। ये लो कपड़ा, इससे साफ कर लो आप। ओ बस बस, अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए जो तेरा गंदा मारा कपड़ा टच करूंगी। तेरी औकात क्या है हा? पता है क्या, तुम जैसे लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करनी चाहिए। सारा मूड खराब कर दिया। अब छोड़ एकता, जो हो गया सो हो गया, अब क्यों इसके मुंह लग रही है? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने देखा नहीं इस बुड्ढे की हरकत को, बदतमीज कहीं का। अरे बेटा आप तो खामखा में ही गुस्सा हो रहे हो। अच्छा अब तू सिखाएगा मुझे कि गुस्सा करूं या नहीं? तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत भी है जो मुझसे जुबान लड़ाएगा? आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। एकता ये क्या कर रही थी तुम? अरे सर आपको नहीं पता इस बदतमीज ने क्या किया है, सारा मौसमी का गंद मेरे ऊपर फेंक दिया, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। बदतमीज ये नहीं तुम लग रही हो, मान लिया इनसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें एक बुजुर्ग आदमी से बोलने की तमीज नहीं है क्या? सर अगर बुजुर्ग है तो घर में बैठे ना, रोड पे धक्के क्यों खा रहा है? क्यों भी अंकल, तेरा बेटा कुछ कमाता धमाता नहीं है क्या? या तुझे घर से बाहर निकाल दिया है जो भटक रहा है? तुम गरीब लोगों को किसी चीज का पता तो होता नहीं है, बस नुकसान कर देते हो फिर बोलते हो सॉरी सॉरी गलती से हो गया। तुम जैसे लोगों को ना होना ही नहीं चाहिए। शट अप, बहुत हो गया। जानना चाहती हो इनका बेटा क्या करता है और क्या कर सकता है? मैं हूँ इनका बेटा। सर आप? हाँ मैं। क्यों अब जुबान ढीली कैसे पड़ गई? अब वो अकड़ कहाँ गई? वो तुम जैसे लोगों की ना बस यही दिक्कत होती है, इज्जत कमाना तो दूर किसी को दे भी नहीं सकते, और शायद इसलिए आज भी तुम एक इम्प्लॉय हो, सॉरी इम्प्लॉय थी। और आज के बाद ना किसी को भी ऐसे बोलने से पहले सोच जरूर लेना कि क्या बोल रहे हो और वो इंसान क्या हो सकता है। इनफैक्ट वो इंसान कोई बड़ा आदमी ना हो या फिर उसका बेटा बड़ा आदमी ना हो, फिर भी उसको ऐसे मत बोलना, क्योंकि इज्जत सबकी होती है। और हाँ, मेरी कंपनी में ऐसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है जिसके अंदर इंसानियत ही ना हो, उसकी इंसानियत मर चुकी हो। और हाँ, मेरे पापा है ना, इस काम को किसी मजबूरी में नहीं कर रहे, ये इनका शौक है, क्योंकि इसी काम से इन्होंने मेरे को इस लेवल तक पहुँचाया। सर लेकिन जस्ट गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड।